मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं, जिन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है बातचीत करने के लिए। अमानत जी, पार्टी ने आपको सस्पेंड किया है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन पार्टी के फैसले का सम्मान करता हूं। इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और अरविंद जी का बहुत आदर करता हूँ। और कल मैंने PAC से भी इस्तीफा दिया था और हम लोग कोई कुछ बनाने नहीं आए थे, वो काम करने आए थे। PAC में थे तब भी काम किया, PAC में नहीं रहेंगे तब भी काम करेंगे, और पार्टी में रहेंगे तो काम किया और नहीं रहेंगे तब भी काम करेंगे। तो इसका कोई बहुत वो नहीं है कि पार्टी ने जो किया और बेहतर उसका फैसला है, सोच समझ कर किया, उसका मैं सम्मान करता हूँ। मैंने बोला कि मुझे बड़ा दुख हुआ इस कार्रवाई के बाद, दुख की वजह क्या है? बात है, कोई दुख तो होता है कि जिसके साथ आदमी जुड़ा हो, और जो मैंने कहा था और ठीक कहा था, सोच समझ कर कहा था, और हमेशा मैंने तो पार्टी के लिए किया है। मेरा उसमें अपना जाती तो कुछ था नहीं, मुझे मालूम था कि नुकसानात होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने जो बेहतर समझा पार्टी के लिए वो किया, और हमेशा मैंने पार्टी को ताकत देने की बात की। और हमने तो जी पहले भी PAC छोड़ी, और PAC से ख़ुद मैंने इस्तीफ़ा दिया था, और कोई MLA पहले भी नहीं थे और नहीं भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम करते रहेंगे। कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप एक मखोटा है और आपके पीछे कोई हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ बोला बिल्कुल सोच समझ के बोला। अगर मेरे पीछे कोई होता तो मुझे सस्पेंड क्यों किया जाता, मुझे PAC क्यों छोड़नी पड़ती? तो ये तो बेकार की बात है और अपने आप को बड़ा दिखाने वाली बात है। बड़ा आदमी जो है कर्म से होता है, बड़ा ज़ुबान से नहीं होता, बड़ा अमल से होता है। तो ज़ुबान के कहने से क्या है जी, ज़ुबान तो कहती है। मखोटा कौन है बताओ, कौन सी पार्टी उनके खिलाफ़ कौन सा षड्यंत्र रच रही थी? उन्होंने खुद षड्यंत्र रचे, उसके ख़िलाफ़ मैं निकल कर के आया और मैंने महसूस किया। तो ये कहना कि साहब मैं तो कुछ नहीं चाहता, चाह भी रहे हो और नहीं भी चाह रहे हो, दिख भी रहा है ले भी रहे हो और नहीं भी, बातें कर रहे हो सिर्फ। पार्टी ने एक मौका दिया है, एक कमेटी बनाई है आपके इस पूरे बयान की जांच करने के लिए, क्या लगता है कि आप जाएंगे कमेटी के सामने, अपना पक्ष रखेंगे, और लग रहा है कि आपको वहां से इंसाफ मिलेगा? मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है, मौका मिला है या नहीं मिला है, आप लोगों के जरिए मुझे बात हुई है, मेरी किसी पार्टी के किसी आदमी से बात हुई नहीं है। आप वहाँ अगर बुलाया देखूँगा, वो वक्त की बात है, उस वक्त क्या होता है। मैंने वापस कब लिया जी, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो मेरे दिल की आवाज़ थी कह दिया, उसमें क्या पार्टी विधायक अमानतुल्लाह जो पार्टी की कार्रवाई से बेहद आहत है, साथ ही उन्होंने कहा है कि कुमार विश्वास को लेकर उन्होंने जो भी कुछ कहा है उस पर वो अभी भी कायम है। कैमरामैन अनिल के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।